तो दोस्तों अभी हम लोग बुसान स्टेशन आ गए हैं, ये है बुसान स्टेशन। तो अगर आप कोरिया आएंगे तो बेसिकली जो लोग कोरिया आते हैं वो ज़्यादातर आप जो सियोल का एयरपोर्ट है वहाँ पे उतरेंगे, सियोल का इंचियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ से आपको बुसान 400 किलोमीटर है। तो बुसान आने के लिए आपको या तो आप फ्लाइट से भी आ सकते हैं, फ्लाइट कोई बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, फ्लाइट तो एक घंटे में आ जाएगी। लेकिन ज़्यादातर लोग जो आते हैं इंडिया से या दूसरे देशों से वो बुलेट ट्रेन को एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं वहाँ से बुलेट ट्रेन पकड़ते हैं सियोल से। ये बुलेट ट्रेन आपको 2.5 घंटे में बुसान पहुँचा देगी, है ना। तो हम लोग वहाँ से बुलेट ट्रेन पकड़े थे 2 बजे सैटरडे को 12 नवंबर को, और 4:30 बजे हम बुसान पहुँच गए थे। तो आप देख सकते हैं कितनी फास्ट चलती बुलेट ट्रेन कि वो आपको 2.5 घंटे में 400 किलोमीटर पहुंचा देगी। ये पूरा एरिया बुसान का है, ये देखिए वहाँ पे कैसे यहाँ पे बसें चल रही हैं, ये मेन रोड है, और यहाँ पे सारे आपको होटल दिखेंगे। ये देखिए ये बहुत बड़ा होटल है, ये भी एक बड़ा होटल है। यहाँ पे एक दिन का रहने का शायद 5,000 से 6,000 रुपये है। ये मेन एरिया है बुसान का, बुसान स्टेशन। बोलो चलते हैं। तो अभी आपको यहाँ पे दिखाते हैं जो इंडियन रेस्टोरेंट है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें रोड क्रॉस करना है, तो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने रोड क्रॉस करने के लिए बना रखे हैं। हाँ, जो मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे जो रोड के बीच में ही किस तरह से डिवाइडर बनाती है, जो डिवाइडर आती है ऐसा बनाती है। यहाँ से तो खैर सबवे मेट्रो जाती है, ये सबवे है, बट चलो इसको तो कंसीडर कर लिया था। हाँ, सबवे बट आप स्ट्रेट देखेंगे वहाँ पे 2-3 बस स्टैंड है, बस स्टॉप है तो सामने। हाँ, और उसके बाद में भी एक बस स्टॉप है, जैसे कि ये यहाँ भी बस स्टॉप है। मतलब ऐसे बना रखे कि इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि हमें जाना किधर है, कौन सा बस लेनी है। तो कौन सा बस लेनी है ये भी पता हो जाए, लेकिन अगर आप एक दो बार नहीं बैठेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कहाँ से लेनी है, क्योंकि एक ही जगह पे एक ही रोड पे 3 बस स्टॉप, मतलब ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। देखिए वहाँ पे 2 बस स्टॉप है बगल बगल में, वो एक बस स्टॉप है, देखिए पीछे ये तीसरा और एक वो चौथा, तो मतलब एक ही जगह पे 4 बस स्टॉप है। वो देखिए वहाँ पे बता रही है, हाँ वहाँ पे 2 बस स्टॉप है, और यहीं से क्रॉस भी कर रहे हैं बस, उधर ही से निकाल भी रहे हैं। ये देखिए बीच में जो डिवाइडर अभी दिखाते हैं, ऐसा लगता है जो हमारी जो रेल की पटरी नहीं होती है। हाँ, इंडिया में जो रेलवे पटरी नहीं होती मुड़ मुड़ के निकलती तो है, कैसे कैसे आपस में जैसे क्रॉस करते हैं वैसे यहाँ पे बस क्रॉस करते हैं। चलिए अभी आप लोग दिखाते हैं, रुपए एक मिनट क्रॉस करते हैं। यहाँ देखिए तो ये किस तरह का बना हुआ, एक ही रूट से 2 बसें आ रही है, इधर से आ रही है ये और इधर से आ रही दूसरी। ये देखिए जैसे यहाँ पे अभी हम क्रॉस कर रहे हैं तो ये बस स्टॉप इधर, ये बस इधर से आ रही है। अब ये यही डिवाइडर सेम, ये देखिए इधर सेम, इधर से बस आ रही है। अब इसमें समझ में नहीं आ रहा कौन सी बस किधर जाएगी, ये देखिए ये है, देखिए इधर से, हाँ इधर से देखिए ये वाली बस आ रही है।
थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि यहाँ पे एक ही इंडियन रेस्टोरेंट है और वो ये है न्यू लिटिल इंडिया। हम लोगों ने एक मतलब कल रात को डिनर किया था यहाँ पे। खाना तो मतलब ठीक ही था, खाने लायक था। और हमने खाया था एक मटन लिया था, मटन करी, एक चिकन का लिया था और नान लिया था। एक मटन करी लिया था, एक चिकन मसाला और तीन नान। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए जो प्राइस है इसका यहाँ पे दिखा देते हैं। यहाँ पे जो लंच सेट मिल रहा है खाली वो है 8000 वॉन। 8000 वॉन का मतलब हो गया मतलब 400 रुपए। और जो लंच सेट बी मिल रहा है जिसमें आपको नान मिलेगा, चावल मिलेगा, तंदूरी चिकन मिलेगा जी, पनीर भी है, चिकन की बहुत वैरायटीज है, और राइस में देख लो तो बिरयानी, मतलब बोला जाए तो सब मतलब है, अच्छा मतलब ठीक है। और ये है कि ना ये इसको यहाँ पे हलाल का भी वो मिला हुआ है सर्टिफिकेट, तो एक तरह से हलाल रेस्टोरेंट हो सकते हैं यहाँ पे कोई भी आए। और ये एकदम अकेला इंडियन रेस्टोरेंट है पूरे भूसान में, तो हमें कोई दूसरा रेस्टोरेंट नहीं मिला, यही एक अकेला रेस्टोरेंट है। और यहाँ पे अगर आप ये सेट भी खाएंगे लंच तो आपको 1000 रुपए का है, और लंच सेट है 400 रुपए का। तो उस हिसाब से देखें तो आप देख पाए ना, तो यहाँ पे आदमी 2000 रुपए में दो लोग अच्छे से खाना खा सकते। तो यहाँ पे आपको 2000 रुपए का मेनू देख लीजिए, तंदूरी चिकन मटन सब कुछ मिलता है ये यहाँ पे न्यू लिटिल इंडिया। तो यही एक अकेला रेस्टोरेंट है, बाकी आपको सिर्फ यहाँ पे कॉफी शॉप मिलेंगे, जैसे देख ले जाए आपको दिखा देते हैं। ये देखिए इंटर कोरियन रेस्टोरेंट है ये, यहाँ पे आपको नूडल्स मिलेगा, ये सब चिकन का बीफ और ये देखिए कॉफी शॉप है सारे यहाँ पे। कॉफी शॉप है यहाँ पे, आपको कॉफी वही मिलेगी अराउंड 200 रुपए से 300 रुपए तक एक कॉफी मिल जाएगी। ये गोमचा है, ये गोमचा एक ब्रांड है जो सिंगापुर में भी है, और बाकी जो यहाँ पे सारे ब्रांड है सब लोकल हैं, क्योंकि आपको नाम नहीं सुना होगा आपने कभी। ये देखिए कॉफ़ी शॉप है, तो बेसिकली यहाँ कॉफ़ी शॉप आप 300 से, ये देखिए यहाँ कॉफ़ी शॉप है 300 से 400 रुपए में आपको एक कॉफ़ी मिल जाएगा यहाँ पे। और लेकिन आप अगर यहाँ नोटिस करिए तो जो भी कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है आपको अंग्रेजी यहाँ पे बिल्कुल बहुत कम दिखेगा, ज़्यादातर सब कुछ दिखे मतलब बहुत ज़्यादा ही कम है। यहाँ पे देखिए जैसे कि आप देखिए प्राइस लिखा है, तो फिर प्राइस ही है जो हमको नंबर में दिखाई दे रहा था, कुछ भी अंग्रेजी नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे प्राइस देखेंगे तो कॉफी शॉप का 5600 वॉन। बहुत बार तो ऐसा होता है कि हमें ऑर्डर करने के लिए फोटो दिखानी पड़ती है क्योंकि नाम हमें पता नहीं और कोरियन हमें आती नहीं। तो आपको कुछ भी खाना हो, अगर आपको पता भी हो कुछ भी कि ये खाना है, तो आपको गूगल में सर्च करके उसका पिक्चर दिखाना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे हमने ये भूसान स्टेशन है, सारी बसें और ये सारा भूसान स्टेशन का मेन बिल्डिंग है। तो आप जब आएंगे ट्रेन से, बुलेट ट्रेन से या कोई भी ट्रेन से, तो इसी स्टेशन पे आप उतरेंगे। तो अगर आप मान लीजिए होटल वोटल बुक कर रहे हैं यहाँ आने के लिए, तो सबसे अच्छा है आप भूसान स्टेशन को डालिए लैंडमार्क और इसी के आसपास होटल बुक कर लीजिए, तो आपको कहीं ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। हमारा होटल भी यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर है। ये तो हो गया भूसान स्टेशन का एरिया, तो आप आसानी से यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। और यहाँ बेसिकली आप कोशिश करिए इसे भूसान स्टेशन के पास ही होटल लीजिए,
ताकि आपको फिर दिक्कत ना हो, आप यहीं पे रहेंगे, यहीं पे खाएंगे और यहीं पे टहल भी लेंगे, तो आपको आने जाने में टैक्सी में सब में खर्च नहीं करना पड़ेगा। अब ऐसा है कि हमें आज हमारा शाम को आज क्रूज पे जाना है, 7 बजे का क्रूज है और जीजू आइलैंड के लिए, वो भी बुसान स्टेशन के जस्ट पीछे में, और हमारा जो होटल है वो बुसान स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर है। तो मतलब आप बुसान स्टेशन से हमारा जो होटल है वो बिल्कुल बगल में है, पैदल चल सकते हैं 400-500 मीटर। तो यहाँ पे जो फेरी टर्मिनल है, जैसे कि हम लोग आज रात में जाने वाले हैं जीजू आइलैंड, तो अगर आप कोरिया आएंगे तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जाना वो है जीजू आइलैंड। तो जीजू आइलैंड यहाँ से समंदर, आपको समंदर में क्रूज लेके जाना पड़ेगा या तो आप फ्लाइट से भी जा सकते हैं। तो अगर आप फ्लाइट से जा सकते हैं घंटे का है ट्रेवल, लेकिन बहुत ज़्यादातर लोग शिप में क्रूज से जाना चाहते हैं, अच्छा एक्सपीरियंस होता है वो, आपको 12 घंटे लेगा और आप ओवरनाइट जर्नी है ना? हाँ बिल्कुल, ओवरनाइट जर्नी, और जो हमने लिया है उसमें वहाँ पे रूम है, प्रॉपर रूम है, प्रॉपर रूम दे रहे हैं, डिनर है, मतलब खाने पीने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा होटल की तरह प्रोवाइड किया जा रहा है सब कुछ। तो आपको एक बहुत बड़ा शिप, जैसे मान लीजिए टाइटैनिक शिप होता है, उस तरह का बड़ा शिप होगा। हाँ। आप उसमें बढ़िया रूम बुक कर सकते हैं, और रूम का जो किराया है एक दिन का, एक पर्सन का, तो वो मतलब 2,000 से 3,000 रुपए है, और वो बहुत ही अच्छा है। तो आप जीजू आइलैंड तो जरूर जाइए, क्योंकि वो यहाँ का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है कोरिया का। और जीजू आइलैंड आज हम लोग रात में जाएंगे, तो हम उसकी वीडियो कल बनाएंगे। जीजू आइलैंड हम 2 दिन का प्लान किया है रहने का, तो हम रात में यहाँ से निकलेंगे और रात भर हम लोग क्रूज शिप में रहेंगे। और ये यहाँ पे आपको छोटे छोटे स्टोर हर जगह दिख जाएंगे, जहाँ पे आपको नूडल और बेसिक सारे कोल्ड ड्रिंक नूडल ये सब आसानी से मिल जाएगा, और उनके प्राइस ऑलमोस्ट इंडिया जैसे ही रहते हैं, कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता। और आपको टैक्सी भी हर जगह यहाँ पे अवेलेबल है, और टैक्सी भी कोई बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। अभी जैसे हम आए हैं तो हमें टैक्सी का 250 रुपये देना पड़ा वहाँ से आया जाता है, तो अगर आप ओला और उबर बुक करेंगे इंडिया में भी तो भी इतना ही आ जाते हैं, तो बेसिकली वो सेम ही है, खर्चा कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। और जो बुसान का जो खर्चा है मान लीजिए 2 दिन का, तो 200 मतलब 10,000 तक अगर आपके पास है, 10,000 को आप कन्वर्ट करा लेंगे तो 2 दिन आपका खर्चा यहाँ पे चल जाएगा, होटल को हटा के, होटल और ट्रेवल को हटा के, जो खाने पीने पर और ये सब पे। जैसे कल हम लोग रात में इंडियन होटल में खाना खाए थे तो 2 लोग का 2,000 रुपये आया था, तो वही पर हेड 1,000 रुपये मान के चलो इंडियन रेस्टोरेंट में। लेकिन हाँ ये है कि अगर बाहर खाओगे कोरियन खाना तो और सस्ता पड़ जाएगा। हाँ, तो आप, वो आपके लिए अगर आप खा सकते तो ठीक है। हाँ, हमारे लिए तो हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम, क्योंकि हम 2 दिन से कुछ भी नहीं खाए थे, हम लोग इंडियन खाना नहीं खाए थे, तो रोटी चावल तो खा नहीं था। हाँ, तो हम लोग 2 दिन से वही बाहर का खाना खा रहे थे, मतलब कोरियन, तो इसीलिए हम लोग सोचे चलो इंडियन खाते हैं एक दिन। अब यहाँ पे जैसे ये ATM है, और यहाँ पे ये देखिए बेनेट्री कॉफी बार, तो यहाँ पे अब जैसे आपको बताया हर जगह कॉफी शॉप है। ये एक कॉफी बात है कि कल हम लोग खाना खाने के बाद यहाँ पे आए थे कॉफी पीने, और हमने एक 2 लैटे लिया था, और वो दोनों बड़े कप में दिया था, मीन्स लाइक था कि हम लोग कोई दूध या लस्सी पीना हो। बेसिकली ये लोग जो कॉफी देते हैं वो बहुत बड़ी, जैसे लस्सी का कप होता है ना उसमें देते हैं, मतलब नहीं पूछा कि आपको रेगुलर चाहिए, मीडियम चाहिए, लार्ज चाहिए, नहीं भाई हमको तो भाई बड़ा वाला लस्सी का ग्लास में ही देंगे तो देंगे। मतलब जैसे ये ग्लास है बड़ा सा, ये खूब बड़े ग्लास में देते हैं कि आपको पूरा फिनिश भी नहीं कर पाएंगे। मेरा तो 1/3 भी, मतलब
पी नहीं होंगी, मतलब इतना लगा था उसके बाद इतना ज्यादा हो गया, तो फिर आपको तो सोने में नींद ही नहीं आ रही थी इतना ज्यादा कॉफी कॉफी। यहाँ पे कॉफी कॉफ में चलेंगे, कुछ वैसा खाए क्या है ज्यादा करके इंडियन वाले क्या खा ले क्या करते कुछ वैसा खाना नहीं लग जाता है जितना इंडियन वाले में। खाना खाना रखना चाहता हूँ, अरे वहाँ यहाँ वो सब नहीं।